छात्र राजनीति की ओर बढ़ रहे होते हैं, और ऐसे में देखिए टिकट संगठन से एक को ही मिलना होता है, और कई ऐसे दावेदार होते हैं जो टिकट से वंचित रह जाते हैं, और फिर जब उन्हें टिकट नहीं मिल पाता तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में आते हैं। ऐसे कई समीकरण हैं जिसके बाद में जो समीकरण है वो बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया जीडीबी गर्ल्स कॉलेज का, वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और टक्कर कांटे की है तीनों के बीच में, एबीवीपी, एनएसयूआई और निर्दलीय तीनों के बीच में कांटे की टक्कर है। स्पष्ट तौर पर एबीवीपी का लंबे समय से वहाँ पर दबदबा रहा, लेकिन जैसे ही निर्दलीय एबीवीपी समर्थित वहाँ पर आए तो एबीवीपी की जो से उम्मीदवार थी वो वहाँ पर आए, तो ऐसे में वो पूरे समीकरण वहाँ पर बिगड़ गए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बात में कतई वो नहीं है कि निर्दलीय जो है वो समीकरण को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें नतीजों की, तो नतीजों का जो अपडेट है वो अब से कुछ देर में आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले लॉ और संस्कृत कॉलेज के नतीजे आने हैं, लेकिन निगाहें जो टिकी हैं वो टिकी हैं राजकीय है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है।